हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, बीबीएस सेकंड प्रोफेशनल फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी काउंसिल में काफी मेजर चेंज आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो मेजर चेंज है, क्या वो बिग चेंज है, जिससे आपकी सेकंड राउंड की स्टेट की काउंसिलिंग और इवन ऑल इंडिया की काउंसिलिंग इफेक्ट हो सकती है। और ये अच्छा चेंज रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपके लिए नुकसान की बात नहीं, काफी अच्छी बात है। तो आप में से बहुत लोगों ने इस रूल को पढ़ा था, मगर बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे, कुछ लोग सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे आखिर इस रूल का मतलब क्या है, और डरे हुए थे सब लोग। बहुत ज्यादा मैसेजेस आए, कल मैं बिजी था, जैसा कि आपको पता है मेरा प्रोफ है यार अभी, तो मैं उसी में बिजी था। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो आपके लिए वीडियो बना लेता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्या वो चेंज और कैसे आपकी स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग इफेक्ट होगी उससे। और आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी और सब कुछ सिंप्लीफाइड वे में मिलेगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट हो, या तो यहां कमेंट कर दो या तो मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपने किया होगा, आपकी जेन्युइन क्वेरी रही होगी, तो आपको रिप्लाई भी मिला होगा इंस्टेंट, या तो थोड़ी देर बाद, मतलब जब मैं मोबाइल चला रहा हूँ तभी रिप्लाई मिलेगा ऑफकोर्स, ठीक है, तो आपको मिल गया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यार अनअकैडमी की तरफ से जो कभी नीट 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज लाया गया है। 23 फरवरी से ये लॉन्च हो रही है, स्टार्ट हो रही है, मतलब लॉन्च तो भी हो गई है, स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या, जैसे जो लोग 2022 को फोकस कर रहे हो, तो उनके लिए अराउंड 2800 रुपीज में, लमसम 2799 में, आपको 13 माइनर टेस्ट, मतलब ठीक है, मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज जो होंगे आपके, मतलब ग्रुप वाइज टेस्ट होंगे, और 7 टेस्ट आपके होंगे फुल सिलेबस टेस्ट। और जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन कर, उनके लिए 4500 का 18 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन है, मतलब टेस्ट सीरीज वाला, जिसमें आपको क्या नाम है, अराउंड 24 मॉड्यूल वाइज टेस्ट एंड 8 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो ये बहुत सही चीज है। और आप अगर मेरा कोड यूज कर लेते हो RS006 या RhythmSVT, इसमें से कोई भी कोड आप यूज कर लेते हो, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आपको यार इसमें 10% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो 2800 वाली है वो 2520 रुपए की पड़ेगी। तो यार काफी सही है, मतलब, और बहुत सही ऑप्शन है। तो अगर आप प्रिपेयर करो 2022 या 2023 के लिए, तो मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू अवर वीडियो, तो अच्छे से समझना, एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूं। देखो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बताता हूं। देखो, यूजुअली क्या होता था, पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होता था, फिर स्टेट का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2 होता था, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्टेट का पहले हो गया था, फिर ऑल इंडिया कोटा होगा, और अगर मैं यूपी का देख के चलूँ, मेजर स्टेट में यही हुआ है, ठीक है। चलो आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चेंज हुआ है। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, तो या तो आपने ज्वाइन किया होगा या तो आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। अगर नहीं किया, आप सेकेंड राउंड में जाओगे, वही च्वाइसेस भरना जो आपको लेना हो, प्लीज़ ब्लॉक मत करना सीट। इन केस आपने वो च्वाइसेस भरी जो आपको लेना हो और आपको मिल भी गई, तो आप एडमिशन ले लेना जाके। और आपने कोई ऐसी चॉइस भरी जो आपको नहीं लेना और आपने भर दिया, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। ये वो लोग की बात है जिनका ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, मगर एडमिशन नहीं लिया था, उन्होंने राउंड 2 में चॉइसेस भरी, उनको कोई मिल भी गया कॉलेज, उन्होंने लेने का मन नहीं हुआ, तो उनका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया, दैट्स इट। आते हैं मेदर वाले की बात, ध्यान से सुनना। जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में अलॉट हुआ, उनका अलॉटमेंट हुआ, उन्होंने कॉलेज लिया भी, अब ध्यान से सुनना, कॉलेज लिया तो सिनेरियो अब कई बनते हैं। अब मान लो आपको स्टेट से बेटर मिल रहा है, तो आप वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 वाली अपनी सीट रिजाइन करके आप स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। अब क्या, अब आप सोचो यार मेरे को ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में हो सकता है अच्छी सीट मिल जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, सोचना आपका बिल्कुल सही है। अब आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 से आपने याली सीट होल्ड कर रखी है, आपने स्टेट वाली सीट नहीं उठाई इसी वैसे, अब आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करें, और आपको मान लो इनकेस अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपकी जो याली सीट थी अब आपके पास यही रहेगी, एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू एस्केप फ्रॉम द काउंसलिंग। मतलब आप एस्केप सॉरी हो गए हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं इस कॉलेज से एस्केप होने का, मतलब आपकी सीट यही रहेगी, ना आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट अब इनके पास ही रहेगा, ना ही आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का अलॉटमेंट फाइनल प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको ये कॉलेज मिला है, एक तरीके से यही माना जाएगा। अपग्रेड नहीं हुआ तो आपके पास वही सीट तो रही आफ्टर एंड ऑफ राउंड 2, आपके पास वही सीट तो रही, और जहां राउंड 2 एंड हुआ तो आपका वो फाइनल अलॉटमेंट हो गया, समझ रहे हो। तो अगर आपने पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन लिया है और आप नहीं रहना चाहते वहां पे, आपको लग रहा है स्टेट से मिलेगी, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के 2 दिन पहले भाई रिजाइन कर देना, कम से कम 2 दिन पहले तक रिजाइन कर देना। अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि वो आप सीट होल्ड करना चाहते हो, और वो सीट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करोगे, अपग्रेड हो गया तो वाले कॉलेज में जाओगे, नहीं हुआ तो आप यही वाले कॉलेज में रहोगे, समझ में आया।
और जिनको ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ था और एडमिशन नहीं लिया था, तो उनके लिए वही पुराना प्रोसेस है जैसे हर साल चला आ रहा है। अगर राउंड टू में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप नहीं लेते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी, ठीक है। और इधर वाले में तो भाई आप सीधे सीधे आप कॉलेज में ही आपको रहना पड़ जाएगा, तो ध्यान से समझ में आया। अब इससे स्टेट की काउंसलिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत लोग जैसे होता है ना कि दो दो जगह ग्रैब करना चाहते हैं सीट, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड वन से मिला कॉलेज, ठीक है भाई ले लिए, फिर स्टेट के राउंड वन में कुछ बढ़िया नहीं मिला छोड़ दिए, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में देखे, पहले यही होता था ठीक, ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में देखे कॉलेज मिला, उसके बाद रेजिग्नेशन दे करके स्टेट के राउंड टू में आ गए, ये होता था ठीक है। लोग देते थे ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के बाद रेजिग्नेशन देते थे, ठीक है, मगर अब नहीं ऐसा होगा। अब क्या है, राउंड टू के बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड टू बंद हुआ, जहां बंद हुआ आपको जो कॉलेज अलॉटेड, जहां पे आप मतलब होल्ड करके जो सीट रखे हुए हो, अब वही आपकी सीट रहेगी, समझ रहे हो। ऑल इंडिया कोटा की कौन से आपकी वही सीट रहेगी, या तो अपग्रेड हो गए या नहीं हो गए तो वही सीट आपकी रहेगी। अब आप अपना डॉक्यूमेंट भी नहीं छुड़ा सकते और आपकी यहीं पे काउंसलिंग एंड होती है एंड यू आर फ्री, मतलब अब आप उसी कॉलेज में रहो। अब जिसने नहीं लिया था वो आगे बढ़ा, उसका सिक्योरिटी मनी फोर फीट हो वो अपना जाने, मगर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिंप्लीफाइड वे में। अभी भी कोई डाउट बच रहा है तो पूछ लेना। स्टेट की काउंसलिंग का जैसे पहला होता था, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आपको पता है पहले राउंड में ही उन्होंने रख दिया भाई फोर फीट कर देंगे, तो कॉलेज अगर मिला है तो भाई ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, सही किया ये भी। बहुत लोग मजे में ऐसे भर देते थे कॉलेज और जाके एडमिशन ले नहीं रहे, तो क्या होता था सीट ब्लॉक होती थी, सेकंड राउंड में आती थी, पहले राउंड में कई डिजर्विंग बच्चे रह जाते थे, कुछ सेकंड राउंड में ही स्पेशली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको क्या नाम है वो सीट कम रैंक पे मिल जाती थी, तो भाई लॉस होता था ना अल्टीमेटली। तो इन्होंने पहले राउंड में ही फोर फीट कर रहे हैं पैसा भाई। अगर आपने पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने एडमिशन नहीं लिया, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी नीट की काउंसलिंग, आप एडमिशन नहीं लिया तो आपका 30K सिक्योरिटी में नहीं गया। अब सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, फिर से 30K की DD लगाओ, तभी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जिन्होंने कॉलेज मिला है, जिनको अलॉट हुआ है और एडमिशन ले लिया है, वो सिंपली अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करोगे, अपग्रेडेशन के लिए सिंपली चॉइस फिलिंग कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा, क्लियर हुआ। मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, खासतौर से जिन लोग ऑल इंडिया कोटा राउंड में अलॉट कॉलेज हुआ और एडमिशन लिया है, उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है। तो बेटा काफी ध्यान से आगे बढ़ना, अगर आपका स्टेट की तरफ मन है कि आपको लग रहा है स्टेट में आपको बेटर मिल जाएगा, तो रेजिग्नेशन दे देना 2 दिन पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के, 2 दिन पहले से ही पहले दे देना, बल्कि आखिरी दिन तक क्यों वेट करोगे, दे देना, वरना आप फिर आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। एलिजिबल रहोगे भी तो क्या डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये है सिंपल, अब क्लियर हो गया होगा, होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितना बेस्ट वे मैं समझा सकता था समझा दिया। अभी भी कुछ क्वेरी बच रही है तो कमेंट कर देना या मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी मैसेज कर देना। तो चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से भाई काउंसलिंग करो और थोड़ा सा दिमाग खोल करके, ठीक है, चलो ओके, चलो बाय।